पे है यकीन तो हारना नहीं, सामने खड़ी है फतह। मुजफ्फरबाद क्रिकेट स्टेडियम में फ्लड लाइट्स इंस्टॉलेशन का काम जारी है, 2 हफ्ते हो चुके हैं और उसमें बड़ी ज़बरदस्त प्रोग्रेस है। 5 मई को इंशाल्लाह ताला लाइट्स का ट्रायल है और उससे पहले पहले ट्रायल्स से पहले, जिस तरह आपको पता है कि लाइट्स पहली दफ़ा मुजफ्फरबाद क्रिकेट स्टेडियम में 5 मई की हमें डेट मिली हुई है कि वो लाइट्स वहाँ पर ऑन होंगी। जहाँ तक ऑन ग्राउंड, जहाँ तक आउटफील्ड की बात है, पिचेस की बात है, वहाँ पे भी काम शुरू हो चुका है। पिचेस का जो स्क्वायर है वो नया बिछ रहा है, नई मट्टी डाली जा रही है, 30 यार्ड के सर्कल को बेहतर किया जा रहा है, आउटफील्ड को बेहतर किया जा रहा है। आप जानते हैं कि अगस्त की डेट हो गई है अब KPL की, 4 से 14 अगस्त को KPL खेला जाएगा, तो हमारे पास इनफ टाइम है। मौसम ऐसा है कि घास की ग्रोथ बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगी और इंशाल्लाह आप लोगों को KPL के लिए एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी पे एक वर्ल्ड क्लास इवेंट देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। देखिए, मट्टी का इस तरह है कि क्योंकि 5 विकेट्स का स्क्वायर है, तो हम लोगों ने ये किया है कि जो हेड क्यूरेटर हैं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के, मोहम्मद अशरफ साहब, उनकी खिदमात हमने ली है। PCB का मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उनकी खिदमात देने के लिए हमें उनको रिलीज़ किया। उनकी गाइडेंस पे, उनकी सुपरविज़न में सारा काम हो रहा है। यासिर साहब जो कि ग्राउंड हेड ग्राउंड्समैन है मुजफ्फरबाद क्रिकेट स्टेडियम के, वो और अशरफ साहब क्लोजली इसको काम करें। इसके अलावा हमारे एक क्रिकेट कोऑर्डिनेटर हैं राणा दस्तगीर साहब, वो इस वक्त मुजफ्फरबाद क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं। तो ये तीन एक बड़ी ज़बरदस्त उनकी टीम बनी है और उन्हीं की सुपरविज़न के अंदर ये सारा काम का पूरा प्लान पहले लेआउट किया गया और उसके ऊपर काम हो रहा है। विकेट की जो थोड़ा सा मैं टेक्निकल चीज़ यहाँ पर बता दूँ आपको कि नंदीपुर की एक मट्टी है जो कि विकेट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। जिस मुजफ्फरबाद क्रिकेट स्टेडियम में जो मट्टी है उसको तकरीबन 1 इंच ऊपर से उसको श्रेट करके, तो नंदीपुर की मट्टी के साथ नई लेयर्स को 5 विकेट के ऊपर डाला जा रहा है। 15 एक दिन का ये प्रोसेस है। उसके ऊपर पानी छोड़ा जाता है, फिर उसके ऊपर घास लगाई जाएगी इसी तरीके से, फिर उनको छोड़ दिया जाएगा, फिर विकेटों की प्रिपरेशन का जुलाई के महीने से काम शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, जो मैं खुद टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, लेकिन जो एक्सपर्ट से मुझे पता लगा है कि आपको इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 हफ्ते देने पड़ते हैं। मिट्टी के डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं, वो जब आपस में मिक्स इन कर जाते हैं तो फिर उसके बाद विकेट में एक बाउंस मिलता है आपको, फिर घास लगने से विकेट के अंदर आपको सीन मिलेगा। मंजिल नहीं अब दूर है, करता ये दिल